वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। उमा भारती का शराब की दुकान पर पत्थर मारने का ये वायरल वीडियो आपने शायद देखा होगा कि किस तरह से उमा एक शराब की दुकान पर पहुंचती हैं और एक पत्थर उठाकर मार देती हैं और कहती हैं कि ये शराबबंदी के लिए है। लेकिन ये वीडियो जैसे दिखती है उतनी सीधी है नहीं। इस वीडियो के पीछे की वजह सिर्फ वो नहीं जो उमा भारती बताती हैं। उमा के हाथ से चले इस पत्थर का निशाना दरअसल शराब की दुकान नहीं बल्कि कुछ और ही है। ये पत्थर एक खुली चुनौती है, चैलेंज है सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों, ये आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। सियासी गलियारों में एक बात तो पक्की है कि जो चीजें सामने दिखती है उनके पीछे की वजह उतनी ही उलझी हुई होती है जैसे खंभों पर लटकते बिजली के तार। और उमा भारती के इस कदम के पीछे क्या वजह हो सकती है ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। उमा भारती ने एक वीडियो खुद सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से उमा भारती भोपाल में एक शराब की दुकान में घुस गई और पत्थर मारकर शराब की बोतलें तोड़ डाली। अब भाई कोई उमा भारती से जाकर ये तो पूछो कि जब सरकार आपकी लाइसेंस आपकी सरकार ने दिया तो पत्थर गरीब की दुकान पर क्यों मारा। वो तो लाइसेंस लेकर अपना काम ही कर रहा था। और अगर आपको अपनी ही सरकार से विरोध जताना है तो क्या कोई वैध कानूनी तरीका नहीं अपनाया जा सकता। और जब परमिशन सरकार ने दी तो गुस्सा दुकान वाले पर क्यों। आप खुद सोचिए, अगर आप दफ्तर जाते हैं और वहां से कोई सर्कुलर जारी हो जाता है कि आज से आपकी सैलरी की कटौती की जा रही है और एक मैसेंजर आपको ये सर्कुलर ला कर देता है तो आप किसके पास जाकर शिकायत करेंगे। जिसने ये सर्कुलर जारी किया था या उस गरीब मैसेंजर का जो केवल नोटिस इधर से उधर कर अपना पेट भरता है। क्या इस तरह के कदम के लिए उमा भारती पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह से पत्थर फेंकना हिंसा का ही एक रूप है और साथ ही ये तरीका दूसरे लोगों को भी उकसा ही रहा है कि जाइए आप भी पत्थर फेंकिए। दुकान वाले के पास तो शराब बेचने का लाइसेंस है, लेकिन उमा भारती के पास क्या अराजकता फैलाने के लिए भी कोई लाइसेंस है या फिर सच में उनके पास इसका कोई लाइसेंस है। क्या इसके पीछे कोई और है जो उमा भारती को आगे कर अपनी दाल गलाना चाहता है और उन्हें इस तरह की हरकतें करने के लिए बोल रहा है। इसे समझने के लिए मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर एक सरसरी निगाह डालना बेहद ज्यादा जरूरी है। सूबे में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। ये बात भी अब खुलकर सामने आ रही है कि ऐसे कई नेता और मंत्री हैं जिनकी आंखों में अब शिवराज सिंह चौहान खटकने लगे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी का रास्ता मामा को गिराकर ही जाता है, तो क्या ये एक कोशिश है शिवराज की जड़ें हिलाने की? और अगर हाँ तो फिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि उमा भारती का कद तो पार्टी में अब वो रहा नहीं है। तो क्या कोई और है जो अपनी राह आसान बना रहा है? क्या पार्टी के आलाकमान इस चीज से वाकिफ हैं? सवाल क्योंकि यही है कि जब शराब ही हटानी थी तो एक पत्थर क्यों, पूरी दुकान ही उड़ाई जा सकती है। लेकिन एक पत्थर से शिवराज पर सवाल जरूर उठेंगे कि वो अपना खुद का प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं और फायदा किसे मिलेगा ये तो समझ समझ की बात है। एक पत्थर तो सिर्फ नमूना है जो राजनीति के अंदर की उठापटक दिखा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ये पत्थर शिवराज सिंह चौहान के लिए उनकी गद्दी बचाने का खुला चैलेंज है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।